अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने 57 साल पुराने फैसले को ही पलट दिया है। आज एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तीन बड़ी बातों से समझ लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1967 के अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं दिया जा सकता था। आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया और एएमयू का दर्जा क्या होगा, वह अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की रेगुलर बेंच फैसला करेगी। आज भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने यह फैसला दिया, आज ही वो रिटायर भी हो गए। इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल रहे, वो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो तीसरी बड़ी बात, वो ये कि एएमयू में मिठाइयां बटी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एएमयू में भाईजान मिठाई बांटने लगे, साथ में पटाखे भी फूटे। इनका दर्जा जो बरकरार रखा गया है, उसकी खुशी मना रहे हैं हम सब लोग। खुशी मनाई जा रही है, पर आगे क्या होगा ये सवाल पूछते ही जवाब आने बंद होने लगे। लेकिन अभी ये कोर्ट ने कहा है कि अब 3 जजों की बेंच आगे तय करेगी कि अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा या नहीं, उस पर अभी मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर घमासान 57 साल पहले ही शुरू हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की रेगुलर बेंच ये फैसला करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। इस बात की जांच होगी कि एएमयू की स्थापना किसने की, इसके पीछे किसका दिमाग था। अगर ये सामने आता है कि एएमयू के पीछे अल्पसंख्यक समुदाय था तो आर्टिकल 30 के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। मामला अल्पसंख्यकों से जुड़ा है, इसलिए सबने बढ़ चढ़कर रिएक्शन दिया। हम लोगों के पास मोर देन इनफ हिस्टोरिकल और फैक्चुअल एविडेंसेस मौजूद हैं, जिससे कि ये बात आसानी से साबित की जा सकती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने ही मुसलमानों की तालीम के लिए मुसलमानों के पैसे से और मुसलमानों के डोनेशन से ही कायम किया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का योगदान देश के निर्माण में और देश के विकास में कम नहीं है। उसके लगातार फंड्स के अंदर कमी की जा रही, वो रिसर्च के अंदर नंबर वन रहता था, उसे कहां पहुंचा दिया, किस जगह खड़ा कर दिया ला करके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक माहौल बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर एएमयू को देने वाले फंड्स में कमी कर रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। ओवैसी बोले कि मोदी सरकार को एएमयू को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जामिया को प्रति छात्र 3 लाख रुपए की मदद मिलती है, एएमयू को प्रति छात्र 3.9 लाख रुपए की मदद मिलती है, जबकि BHU को हर छात्र के लिए 6,15,000 रुपए मिलते हैं। ओवैसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कंपेयर करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, पर यह सच नहीं बताया कि एएमयू में कैसे भेदभाव चल रहा है। मौजूदा वक्त में एएमयू में सरकार द्वारा तय की गई आरक्षण नीति लागू नहीं है। एएमयू खुद से जुड़े स्कूलों और कॉलेज के स्टूडेंट्स को इंटरनल आरक्षण देता है, और अगर अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया तो उसे दाखिले में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक सीटें रिजर्व करने का अधिकार मिल जाएगा। एएमयू के दर्जे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, एएमयू के अंदर फैसले की तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ इसके दर्जे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सराहनीय है, और इससे सभी अल्पसंख्यकों की मुस्लिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आस्था में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने, पहली केंद्र सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार थी उसने समर्थन में हलफनामा दायर किया था, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद इसके खिलाफ अपना हलफनामा दायर किया था। अल्पसंख्यक दर्जा उसको आप दे सकते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, इसमें राष्ट्रपति चांसलर हैं और यहाँ पर कोई हिंदू वाइस चांसलर नहीं है। ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनी है कि अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, भारत में यूनिवर्सिटी है कि नहीं। एएमयू के दर्जे को लेकर घमासान छिड़ा है। एएमयू समर्थक मानते हैं कि कोर्ट में उनके लिए अल्पसंख्यक दर्जे को साबित करना आसान होगा, पर इसके साथ ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में क्या कहा और आज क्या बताया।
साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा जजमेंट के दौरान कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलेगा, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। 57 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जबकि अब कहा कि एएमयू का दर्जा नए सिरे से तय होगा। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यकों ने एएमयू की स्थापना नहीं की, पर अब कहा है कि एएमयू की स्थापना किसने की इसका फैक्ट चेक किया जाएगा और इसके बाद ही 3 जजों की बेंच दर्जे का फैसला करेंगी। यानी एएमयू पर आखिरी राउंड का फैसला बाकी है, जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। दिल्ली से अरविंद सिंह और अलीगढ़ से शिवम प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि यूपी एटीएस ने गोंडा में छापेमारी करके अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू की है। एटीएस ये पता कर रही है कि गोंडा में मदरसे किसकी जमीन पर बने हैं, मदरसा कब से संचालित हो रहा है, मदरसे का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया गया है, मदरसों के बाद मकतब की भी जांच हो रही है। मकतब किसी लाइब्रेरी को कहते हैं जहां पर बैठकर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। गोंडा में 286 मकतब मदरसों की जांच यूपी एटीएस कर रही है। हालांकि एटीएस की पूछताछ के दौरान फंडिंग और बाकी सवालों पर मदरसा संचालक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। यूपी सरकार की ओर से बिना मान्यता वाले मदरसों की जांच का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद जांच हुई और गोंडा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध मदरसे भारी तादाद में मिले। जी